साल 2012 कर्नाटक के विजयपुरा जिले का रहने वाला एक 20 साल का लड़का बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर आता है, जहां अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगता है। इसी बीच श्री राम सेना के कुछ कार्यकर्ता उसे मिलते हैं, जो उसे हिंदुओं की रक्षा के लिए होने जा रही एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक बड़ा खेल। कुछ हफ्ते के बाद ही ये लड़का कुछ लोगों के साथ तहसीलदार ऑफिस के आगे पाकिस्तान का झंडा फहराकर आता है, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान का ये झंडा मुस्लिमों ने फहराया है। लेकिन जल्द ही ये मामला खुलता है और उसे 3 महीने की सजा होती है। इसके बाद आता है 5 सितंबर 2017 का दिन। कर्नाटक के बंगलुरु में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये लड़का ही होता है, जिसे हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर रेडिकल बनाया गया। इस लड़के का नाम था परशुराम बागमोरे, और जिस पत्रकार को मारा गया उसका नाम था पत्रकार गौरी लंकेश। लेकिन गौरी लंकेश का असली हत्यारा सिर्फ परशुराम बागमोरे नहीं था, बल्कि कई और लोग और बड़े संगठन थे जो इस खेल में शामिल थे। इनका शिकार भी अकेली गौरी लंकेश नहीं थी, बल्कि कई और बड़े लोग थे जिन्हें हिंदू विरोधी कहकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए पहला सवाल उठता है कि गौरी लंकेश के असली हत्यारे कौन थे, किसने रची गौरी लंकेश की हत्या की साजिश, ये सनातन संस्था क्या है जिसे माना जाता है आरएसएस और बजरंग दल से भी ज्यादा घातक, कैसे पकड़े गए गौरी लंकेश के हत्यारे, उस सीक्रेट डायरी का सच क्या है जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर 34 लोगों की हत्याओं का राज छुपा हुआ है, गौरी लंकेश की हत्या और एम कलबर्गी, गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाबोलकर की हत्या में आपस में क्या संबंध है, क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने के पीछे रचे जा रहे एक बड़े खेल की सच्चाई, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। जब से गौरी की हत्या हुई है और ये खबर आई, मैं देख रहा था कि हमारे आसपास कितने हत्यारे हैं। क्या जो विरोध की आवाज उठेगी वो खामोश हो जाएगी? बेंगलुरु में एक पत्रकार की हत्या हुई, लेकिन हेडलाइन ये बनाई गई कि बेंगलुरु में बीजेपी विरोधी पत्रकार की हत्या हुई। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। बंगलुरु शहर के एक 3 मंजिला मकान में गौरी लंकेश अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका चलाती थी, जो हफ्ते में एक बार निकलती थी। ज्यादातर इस पत्रिका में गौरी लंकेश का फोकस देश में धर्म के नाम पर बढ़ रही सांप्रदायिकता और उसके नाम पर की जा रही राजनीति के ऊपर रहता था। गौरी लंकेश हिंदू धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने वालों के खिलाफ अक्सर अपनी पत्रिका में लिखती थी। यही कारण है कि गौरी लंकेश कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गई। पत्रकार गौरी लंकेश के दोस्त और परिवारी जन भी अक्सर उनकी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते थे। 55 साल की गौरी लंकेश को लगता था कि चूंकि वे एक महिला हैं, शायद उन पर उतना खतरा नहीं है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मौत की घड़ियां गौरी की सांसों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ लोग थे जो गौरी लंकेश की हत्या की साजिश पिछले कई सालों से रच रहे थे, और अब उस साजिश को अंजाम देने का वक्त आ गया था। 5 सितंबर 2017 की सुबह पत्रकार गौरी लंकेश अपने दफ्तर पहुंचती हैं। गौरी की पत्रिका लंकेश पत्रिके का अगला अंक आने वाला था। लंकेश पत्रिके मैगजीन की एडिटर होने के नाते गौरी लंकेश आखिरी बार ये सब देख रही थी कि सब ठीक है या कोई कमी तो नहीं है। अंत में अपने खुद के लिखे एडिटोरियल को देखने लगी। इस एडिटोरियल का टाइटल था इन द एज ऑफ फेक न्यूज। अपने संपादकीय में गौरी लंकेश ने लिखा कि मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ जो फेक न्यूज के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका सच सामने ला रहे हैं। काश ऐसे और भी लोग होते। अपने इस सबसे लास्ट वाले संपादकीय में गौरी लंकेश आरएसएस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के बारे में भी बताती हैं, लिखती हैं कि कैसे आरएसएस और भाजपा से जुड़ी आईटी सेल के द्वारा जनता में जानबूझकर फेक न्यूज फैलाई जाती है, जिसके सच के बारे में पहले लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन अब कुछ लोग उसका फैक्ट चेक करके उसका सच बाहर ला रहे हैं। इस एडिटोरियल को अगले 2 दिन बाद गौरी लंकेश की पत्रिका में छपकर बाहर आना था। इस एडिटोरियल को फाइनल टच दे गौरी लंकेश अब अपने दफ्तर के लिए घर के लिए निकलने लगती हैं। फोरविडन स्टोरीज की एक स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार गौरी अपने दफ्तर के बाद सीधे घर के लिए निकलती हैं, और हो सकता है कि वे अपनी बहन के घर जा सकती थीं, क्योंकि इससे पहले की वाली रात में वे अपनी बहन के घर गई थीं, जहां उन्होंने पिछली रात ही दिस इज अस नाम का एक शो देखा था। लेकिन आज वे सीधे अपने घर के लिए निकल जाती हैं। इसके बाद गौरी अपनी कार से घर पहुंचती हैं, जिसका दरवाजा खोलने के लिए गौरी कार से निकलती हैं, और गौरी के घर के पास एकदम शांति फैली हुई थी उस वक्त, और उस वक्त घड़ी में शाम के करीब 8 बज रहे थे। गौरी लंकेश अपनी कार के लिए अपने घर का बाहरी दरवाजा खोली रही थी, तभी अचानक 4 गोलियों की आवाज़ आसमान में गूंजती है। बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने गौरी को गोलियों से भून दिया। एक गोली गौरी के घर की दीवार से जाकर टकराती है, वहीं 3 गोलियों ने गौरी के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। 55 साल की एक पत्रकार जो बस अपना काम कर रही थी, जो धर्म की राजनीति के खिलाफ लिखती थी, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलती थी, जो न्याय और संविधान की पक्षधर थी, जो शिक्षा और प्रगतिशील विचारों से लड़ रही थी, उसकी आवाज़ अब हमेशा के लिए
बंद कर दी गई। गौरी वहीं जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए अवचेतना की स्थिति में चली गई। गौरी ने कुछ देर पहले ही जिस संपादकीय को लिखा था उसे भी वे कभी अपनी आंखों के आगे छपता नहीं देख सकी। लेकिन गौरी को उनके इस संपादकीय की वजह से नहीं मारा गया। उनकी पत्रकारिता के कार्यों के कारण एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों के भी टारगेट पर जरूर थी, लेकिन उनकी हत्या का कुछ और कारण था। असली कहानी इस कारण में ही छुपी हुई है, जिसका पता आपको आगे लगेगा, जो जांच के बाद कई सालों में बाहर आया। लेकिन आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसमें आपको बमुश्किल 15 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन हमारे चैनल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब वापस कहानी पर लौटते हैं। गौरी की हत्या के बाद दोनों बाइक सवार हमलावर तुरंत मौके से भाग गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने गौरी लंकेश की हत्या की और क्यों? ये कहानी शुरू होती है साल 2003 से। द न्यूज मिनट वेबसाइट के पत्रकार प्रज्वल मणिपाल ने गौरी लंकेश की हत्या की साजिश पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक 23 साल का लड़का मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद पुणे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने गया। इस लड़के का नाम था अमोल काले। इसी दौरान अमोल काले एक शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। यहीं उसे एक प्रभावशाली कपल मिलता है, जिससे उसकी हिंदुज्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में बात होती है। ये कुछ साल 2003 के आसपास का वक्त था। उस मूवमेंट ने अमोल काले की जिंदगी बदल कर रख दी। अमोल काले ने डिसाइड किया कि अब वो हिंदू धर्म के अनुसार जिंदगी जिएगा। इस तरह अमोल काले अध्यात्म की दुनिया में आता है और नौकरी छोड़ देता है। अमोल काले ने नौकरी छोड़ने के बाद धार्मिक सत्संगों में जाना शुरू कर दिया और धार्मिक किताबें भी बेचने लगा। धीरे धीरे अमोल काले अब हिंसक हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ने लगा और हिंसा को बढ़ावा देने वाले भाषणों को सुनने लगा। अध्यात्म से शुरू हुआ अमोल काले का सफर अब हिंसा की तरफ बढ़ चुका था, जो निर्दोष लोगों की हत्याओं तक पहुंचता है। यह अमोल काले ही अंत में गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रचता है, लेकिन इस कहानी में अमोल काले ही अकेले किरदार नहीं होता। गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रचने वाले अमोल काले यानी एक मैकेनिकल इंजीनियर को एक जॉम्बी बनाने के पीछे कुछ और लोग, कुछ और संगठन थे जिन्होंने हिंदू धर्म की आड़ लेकर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की। गौरी लंकेश की हत्या के बाद उनके शव को विक्टोरियल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। गौरी लंकेश की पहले से जताई इच्छा के अनुसार उनकी आंखें दान कर दी गई। पत्रकार गौरी लंकेश की आंखें उनके जाने के बाद भी इस दुनिया में किसी अनजान के काम आई। हजारों लोग अपनी इस पत्रकार को आखिरी बार देखने के लिए जुटे। जिस वक्त गौरी की हत्या हुई उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार आई हुई थी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए केरल में गए हुए थे। वे तुरंत अपने प्रोग्राम को छोड़कर वापस कर्नाटक आ गए। अब बारी हत्यारों को ढूंढने की थी। पूरे बंगलुरु में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले गौरी लंकेश के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज अपने हाथ में लिए, साथ ही आसपास के करीब 35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने पास ले ली। शुरुआती जांच में पता चला कि बाइक सवारों ने हेलमेट पहना हुआ था ताकि पहचान में ना आ सके, इसलिए पुलिस के लिए इन अज्ञात हमलावरों को पहचानना बहुत मुश्किल था। गौरी की हत्या के 3 दिन के बाद यानी 8 सितंबर के दिन कर्नाटक सरकार ने इन हमलावरों की सूचना देने के लिए 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रचने वालों को पकड़ने के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया। जिन गोलियों का इस्तेमाल गौरी लंकेश की हत्या करने के लिए किया गया था उन्हें आगे की जाँच के लिए सहेज लिया गया। करीब एक हफ्ते के बाद यानी 13 सितंबर 2017 के दिन ही कर्नाटक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बैलिस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस बैलिस्टिक रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस रिपोर्ट से पता चला कि गौरी लंकेश की हत्या के लिए भी उसी तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया गया है जिससे साल 2015 में महाराष्ट्र के विद्वान MM कलवर्गी की हत्या की गई थी। अब पुलिस इस कनेक्शन को भी टटोलने लगी कि क्या पिछले सालों में जिन बुद्धिजीवियों की हत्या हुई है क्या इसके पीछे भी कोई एक संगठन है या कोई एक ग्रुप काम कर रहा है, क्योंकि साल 2013 और 2017 के बीच में कई भारतीय बुद्धिजीवियों, लेखकों और पत्रकारों की हत्या हुई, जो देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और धर्म की आड़ लेकर की जा रही राजनीति के विरोध में बोल रहे थे। इन सबकी हत्या एक ही तरीके से की गई। एक ही पैटर्न में देखने को मिला कि सबको बाइक सवार हमलावरों ने मारा और अधिकतर को घर के पास ही मारा गया। जैसे 20 अगस्त 2013 के दिन पुणे शहर में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई, जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चला रहे थे और लोगों को अंधभक्ति और कर्मकांडों के खिलाफ जागरूक कर रहे थे। उनके खिलाफ भी दुष्प्रचार किया गया कि वे हिंदू विरोधी हैं, जबकि वे पाखंड और अंधभक्ति के खिलाफ थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। इसी तरह 16 फरवरी 2015 के दिन महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में वामपंथी नेता गोविंद पानसरे की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोविंद पानसरे भी इंटरकास्ट मैरिज कराकर देश में जातिवाद खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी भी बाइक सवारों ने ऐसे ही हत्या कर दी जैसे नरेंद्र दाभोलकर की गई थी।
कुछ ही महीनों के बाद कर्नाटक के धारवाड़ में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता M.M. कलबुर्गी को भी इसी पैटर्न में मार दिया गया। कलबुर्गी भी हिंदू धर्म में फैले हुए अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वालों में से एक थे जो चाहते थे कि लोग तार्किकता से सोचें। लेकिन कलबुर्गी को भी गोविंद पानसरे की हत्या के 5 महीने के बाद ही 30 अगस्त 2015 के दिन बाइक सवारों के द्वारा गोली मारकर मार दिया जाता है। सब में एक ही पैटर्न था कि ये सब लोग तार्किकता की बात करते थे, ये सब लोग RSS और भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे। इन सब के विरुद्ध कुछ खास संगठनों के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता था कि ये एंटी हिंदू हैं, और बाद में सेम पैटर्न में यानी बाइक सवारों के द्वारा इन सबको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यही पैटर्न 5 सितंबर 2017 के दिन गौरी लंकेश की हत्या के लिए भी यूज किया गया। इसलिए अब शक उठने लगा कि क्या इन हत्याओं के पीछे कोई एक संगठन या एक ग्रुप है जो एक ही विचारधारा वालों की हत्या में लगा हुआ है। गौरी लंकेश मामले में जब ये बैलिस्टिक रिपोर्ट बाहर आई तो इसने सबसे पहला इशारा किया कि हाँ, शायद इस पैटर्न के पीछे कोई ग्रुप काम कर रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट में ये बाहर आया कि गौरी लंकेश और M.M. कलबुर्गी दोनों की हत्या एक बंदूक से की गई थी। गौरी लंकेश मामले में बाहर आई बैलिस्टिक रिपोर्ट किसी बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। अब गौरी लंकेश की हत्या की साजिश कर रही SIT ने राइट विंग कार्यकर्ताओं की एक्टिविटीज को स्टडी करना शुरू कर दिया। राइट विंग एक्टिविस्ट उन्हें कहते हैं जो अपने धर्म के लिए कट्टर होते हैं, जो किसी की सुनना नहीं चाहते। हर धर्म के ऐसे लोगों को जो धर्म की राजनीति करते हैं, किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करते हैं, राइट विंग के कार्यकर्ता उन्हें कहा जाता है। पत्रकार गौरी लंकेश पहले से ही अपने विचारों के कारण हिंदू राइट विंग संगठनों के निशाने पर थी, और बाकी लोग जिनकी हत्याएं हुई थी वे भी इसी तरह के राइट विंग संगठनों के निशाने पर थे। नरेंद्र दाभोलकर केस की जांच कर रही CBI ने और गोविंद पानसरे की हत्या की जांच कर रही महाराष्ट्र ATS ने इस मामले में कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले राइट विंग संगठनों जैसे सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति को इन हत्याओं के पीछे होने का शक जाहिर किया था। इसलिए अब गौरी लंकेश की हत्या की जांच कर रही SIT टीम ने भी इन दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं पर निगाह रखना शुरू कर दिया। इसी बीच SIT को एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। SIT ने हिंदू युवा सेना और हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता KT नवीन कुमार के फोन पर हुए कॉन्वर्जेशंस को इंटरसेप्ट कर लिया, यानी बातचीत को पकड़ लिया, जिसमें गौरी लंकेश की हत्या की साजिश और एक और आदमी की हत्या के प्लान का खुलासा हुआ। 18 फरवरी 2018 के दिन नवीन कुमार को इलीगल आर्म्स रखने के अपराध में अरेस्ट कर लिया गया। जांच में पता चला कि नवीन कुमार को गौरी लंकेश की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी है। 2 मार्च 2018 के दिन KT नवीन कुमार को अब गौरी लंकेश के मामले में भी अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले उसे अवैध हथियारों के मामले में अरेस्ट किया गया था। KT नवीन कुमार हिंदू जनजागृति समिति का एक्टिव कार्यकर्ता था। इस संगठन के बारे में आपको आगे पता चलेगा तो शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल हिंदू जनजागृति समिति गोवा की सनातन संस्था का हिस्सा है, और इस सनातन संस्था की कहानी लोगों की हत्याओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बम ब्लास्ट करने के आरोपों तक जाती है। वो भी सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि इसकी पूरी कहानी आप आगे जानेंगे। इसी बीच 19 मई के दिन SIT ने हिंदू जनजागृति के कार्यकर्ता सुजीत कुमार उर्फ प्रवीण को भी ट्रैक कर लिया। प्रवीण के कहने पर ही KT नवीन कुमार एक बंदूक हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गौरी लंकेश की हत्या के बाद सुजीत कुमार उर्फ प्रवीण और उसके साथियों का प्लान एक और आदमी की हत्या करने का था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक के ही KS भगवान थे। KS भगवान की हत्या की प्लानिंग के लिए ही प्रवीण के कहने पर KT नवीन कुमार एक बंदूक अरेंज कर रहा था। KS भगवान भी हिंदू धर्म के में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। इन्हें भी एंटी हिंदू कहकर प्रचारित किया गया और कुछ संगठनों के द्वारा टारगेट किया गया। इन्हीं की हत्या की साजिश की प्लानिंग करने के वाले प्रवीण और KT नवीन कुमार SIT के हत्या लग जाते हैं, और यहीं से पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की साजिश का खुलासा होता है। सुजीत कुमार और प्रवीण को अरेस्ट करने के बाद SIT ने सुजीत कुमार से पूछताछ शुरू कर दी, जिसने कुछ और नामों का खुलासा किया। प्रवीण से मिली जानकारी के आधार पर कर्नाटक पुलिस की SIT ने 20 मई 2018 के दिन हिंदू जनजागृति से ही जुड़े अमोल काले, अमित देगवेकर और मनोहर यादव को अरेस्ट कर लिया। SIT ने इन लोगों के घर छापेमारी की, जहां अवैध हथियारों और मैप से लेकर एक सीक्रेट डायरी मिलती है। इस मैप में ही गौरी लंकेश के घर की जानकारी आती थी, और इस डायरी में ही बेहद इंपोर्टेंट जानकारियां निकलती हैं। अब कर्नाटक पुलिस को पता चलता है कि अमोल काले ही वो शख्स था जिसने गौरी लंकेश की हत्या की साजिश रची, और यही असली मास्टरमाइंड था। बाकी लोग इसके निर्देशों पर काम कर रहे थे। अमोल काले सनातन संस्था से जुड़ी हिंदू जनजागृति समिति का एक्टिव मेंबर था। अमोल काले की डायरी से मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर 12 जून 2018 के दिन SIT ने उस शख्स को भी अरेस्ट कर लिया जिसने गौरी लंकेश में गोलियां मारी थी, यानी वो बाइक सवार शूटर जो हेलमेट पहनकर आया था और जिसने
गौरी लंकेश पर गोलियां दागी थी। इस शूटर का नाम था परशुराम वाघमोरे। परशुराम वाघमोरे श्री राम सेना का एक्टिव कार्यकर्ता था। परशुराम वाघमोरे वही आदमी था जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के इंट्रो में किया था, जो बीकॉम की पढ़ाई छोड़कर अपने चाचा के यहाँ नौकरी करने लगा था और जिसे हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रभावित करना शुरू कर दिया था, जो तहसीलदार के ऑफिस के बाहर पाकिस्तानी झंडा फहराने वाली टीम का भी हिस्सा था, ताकि लोगों में यह संदेह जाए कि पाकिस्तान का झंडा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फहराया होगा। इस अपराध के लिए परशुराम वाघमोरे को 3 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी परशुराम वाघमोरे हिंदू धर्म के आड़ में चलाई जा रही सांप्रदायिक राजनीति में घुसता ही चला गया। अमोल काले की डायरी से मिली जानकारी के बाद SIT ने परशुराम वाघमोरे को 12 जून 2018 के दिन विजयपुरा जिले से अरेस्ट कर लिया। परशुराम वाघमोरे ने SIT के आगे कबूल किया कि हाँ, मैंने ही गौरी लंकेश की हत्या की है और इसके लिए उसे अमोल काले ने ट्रेन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के अनुसार परशुराम वाघमोरे ने कबूल किया कि उसे नहीं पता था कि वो किसकी हत्या कर रहा है और किस पर गोलियां चला रहा है। परशुराम वाघमोरे ने कहा कि मुझे साल 2017 में ही कहा गया था कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे किसी की हत्या करनी है। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। मुझे अब रियलाइज होता है कि मुझे एक महिला की हत्या नहीं करनी चाहिए। परशुराम वाघमोरे ने SIT को बताया कि मुझे 3 सितंबर के दिन बेलगावी लाया गया, जहां मुझे बंदूक चलाना सिखाया गया। मुझे सबसे पहले एक घर में ले जाया गया। 2 घंटों के बाद एक बाइक सवार आदमी मुझे उस आदमी का घर दिखाने के लिए ले जाता है जिसकी हत्या करनी थी। अगले दिन मुझे बंगलुरु के ही एक दूसरे घर में ले जाया गया। वहां से भी एक बाइकर मुझे RR नगर ले गया, जहां गौरी लंकेश रहती थी, और वापस रूम पर कर गया। इसके बाद मुझे दोबारा शाम को गौरी लंकेश के घर पर वापस ले जाया जाता है, और इस बार वो बाइकर ले गया जो सबसे पहले बार गौरी लंकेश के घर पर ले गया था। परशुराम वाघमोरे के अनुसार मुझे उसी दिन अपना काम निपटाने के लिए कहा गया, लेकिन तब तक गौरी लंकेश अपने घर में आ चुकी थी। इस तरह 4 सितंबर के दिन ही गौरी लंकेश की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। परशुराम वाघमोरे ने SIT को बताया कि 5 सितंबर के दिन शाम 4 बजे उसे बाइकर के द्वारा मुझे एक बंदूक दी गई। इसके बाद शाम को हम दोनों बाइक पर गौरी लंकेश के घर की तरफ चले गए। हम एकदम वक्त पर पहुंचते हैं। गौरी ने अपने गेट के आगे कार खोली और जब मैं गौरी के पास पहुंचा तो वो अपने गेट खुल रही थी। मैंने जैसे ही खांसा वो मेरी तरफ पीछे मुड़ी। मैंने तुरंत 4 गोलियां उनके ऊपर चला दी। परशुराम वाघमोरे ने आगे बताया, इसके तुरंत बाद हम अपने घर पर लौट आए और उसी रात शहर छोड़ दिया। इस तरह सनातन संस्था से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स ने SIT को हत्यारों तक पहुँचा दिया और अंततः खुलासा हुआ कि गौरी की हत्या की साजिश सनातन संस्था से जुड़ी दूसरी संस्था यानी कि हिंदू जनजागृति मंच के सक्रिय कार्यकर्ता अमोल काले ने रची और उसे अंजाम दिया शूटर परशुराम वाघमोरे ने। आगे की जांच में पता चला कि इन लोगों ने केवल गौरी लंकेश की हत्या की साजिश नहीं रची थी, बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र में की गई MM कलवर्गी और नरेंद्र दाबोलकर की हत्या की साजिश में भी ये लोग शामिल थे। SIT के अनुसार परशुराम वाघमोरे के साथ गौरी लंकेश की हत्या वाले दिन 3 लोग थे। एक वो आदमी जो परशुराम वाघमोरे को बंगलुरु लेकर आया था, दूसरा वो बाइकर जो तीनों शाम परशुराम वाघमोरे को लेकर गौरी लंकेश के घर गया था, तीसरा आदमी वो था जो 4 सितंबर वाले दिन लेके गया था, यानी कि दिन में गौरी लंकेश के पास लेकर जाता है और वापस लौट आता है। परशुराम वाघमोरे ने SIT को बताया कि वो इन तीनों को नहीं जानता था, उसे सिर्फ गौरी लंकेश को शूट करने के लिए लेकर आया गया था। वाघमोरे के कॉन्फेशन के अनुसार SIT इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गौरी की हत्या से पहले 2 घरों का इस्तेमाल किया गया था और परशुराम वाघमोरे के अलावा 3 और लोग थे जिन तक पहुंचना अब SIT का अगला टारगेट था। 22 जुलाई के दिन SIT ने परशुराम वाघमोरे को गौरी लंकेश के घर बाइक पर ले जाने वाले बाइकर गणेश मिस्किन को भी अरेस्ट कर लिया। CCTV से भी ये प्रूव हुआ कि गणेश मिस्किन बाइक चला रहा था और परशुराम वाघमोरे पीछे बैठा हुआ था। गणेश मिस्किन और परशुराम वाघमोरे इन दोनों ने ही गौरी लंकेश के दफ्तर से उनके घर तक का पीछा करते हुए वो लोग आए थे और गणेश मिस्किन भी श्री राम सेना का कार्यकर्ता था। इसे भी अमोल काले ने हायर किया था। गणेश मिस्किन का नाम 30 अगस्त 2015 में मारे गए MM कलवर्गी की हत्या में भी आया था, जिसके बारे में गौरी लंकेश मामले में आई बैलिस्टिक रिपोर्ट भी कहती है कि कलवर्गी और गौरी लंकेश दोनों की ही हत्या एक ही बंदूक से की गई थी। गणेश मिस्किन और अमोल काले की गिरफ्तारी से ये और स्पष्ट हो गया कि सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति और श्री राम सेना से जुड़े इन लोगों ने ही कलवर्गी की हत्या की थी। अब एक के बाद एक कड़ी खुलने लगी। गणेश मिस्किन के अरेस्ट के बाद अगले ही दिन यानी 23 जुलाई 2018 के दिन SIT ने परशुराम वाघमोरे को ट्रेनिंग देने वाले राजेश बंगेरा को भी अरेस्ट कर लिया। यहाँ हैरानी की बात यह है कि 50 साल का ये राजेश बंगेरा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि मंगलुरु जिले में शिक्षा विभाग में 2nd Division असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। शिक्षा विभाग में काम करने वाले इस राजेश बंगेरा ने गौरी लंकेश के हत्यारे परशुराम वाघमोरे को बंदूक चलाना सिखाया था।
राजेश बंगेरा भी कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से रेगुलरली जुड़ा हुआ था। इसके बाद इसके पास दो लाइसेंस की बंदूकें भी थी जिनके लिए खरीदे गए गोला बारूद उसने अमोल काले को दिए थे। गौरी लंकेश का हत्यारा परशुराम बागमुरे ही नहीं था जिसे राजेश बंगेरा ने ट्रेन किया हो, बल्कि बंगेरा ने बहुत से लोगों को हथियारों से चलाने की ट्रेनिंग दी थी ताकि अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों की हत्या की जा सके। द हिंदू अखबार की 25 जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि SIT के अनुसार अमोल काले के कहने पर राजेश बंगेरा ने अलग अलग जगहों पर जैसे दक्षिण कन्नड़ जंगलों, कोडागु, बेलगावी और विजयपुरा जिला आदि में कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी थी। लास्ट के 2 में इन्होंने गोवा, पुणे और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लोगों को हथियार चलाना सिखाया। SIT के माने तो पुणे में रहने वाले अमोल काले का महाराष्ट्र में ऐसे शूटरों का एक बड़ा नेटवर्क है। लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद अपने अपने जिलों में शांत रहने के लिए कहा जाता है ताकि जब काम पड़े तो चुपचाप बुला लिया जाए और किसी को खबर ना लगे। हिंदू जनजागृति मंच से जुड़ा हुआ ये अमोल काले गौरी लंकेश की हत्या के बाद मैसूर में रहने वाले KS भगवान की हत्या की साजिश रचने के प्लान में भी शामिल था, लेकिन KS भगवान की हत्या से पहले ही ये लोग SIT ने गौरी लंकेश मामले में पकड़ लिए थे। 25 जुलाई 2018 के दिन SIT ने हिंदू जनजागृति समिति के पुराने कार्यकर्ता सुरेश HL को भी अरेस्ट कर लिया। सुरेश HL ने गौरी के हत्यारों को रहने के लिए ठिकाना दिया था और हत्या के बाद बंदूक को भी इसी ने अपने घर पर रखा था। इस तरह गौरी लंकेश की हत्या की साजिश की जांच कर रही SIT की टीम ने करीब 17 लोगों को अरेस्ट किया। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग थे, किसी ने BCOM की थी, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और कोई शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें जोम्बियों की तरह बना दिया गया था जो बाहर से सामान्य दिखते थे लेकिन जो धर्म के नाम पर किसी को भी नोचने को, किसी को भी मौत के घाट उतारने को अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों में इतनी नफरत कैसे भरी गई, कौन इनके दिमाग से खेल रहा था, कौन इन्हें ये समझाने में सफल हुआ कि वो धर्म की रक्षा के नाम पर किसी की हत्या कर दें, आखिर कैसे, आखिर इन लोगों के निशाने पर और कौन कौन लोग थे, इन लोगों को ट्रेन करने में सनातन संस्था का क्या हाथ था, हिंदू जनजागृति मंच क्या है इनका इतिहास जानेंगे गौरी लंकेश पर बनाई इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़कर जाएं। अगली वीडियो आपको तभी दिख सकेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।